सो दोस्तों फाइनली बजाज कंपनी अपनी पल्सर N250 में भी डिजिटल मीटर कंसोल और USD सस्पेंशन के साथ अपडेट करके 2024 में लॉन्च करने वाली है, जिसको दोस्तों टेस्टिंग के दौरान ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट पे देखा जा चुका है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों टेस्टिंग के दौरान जो देखी गई है ये बाइक, इस बाइक का जो लुक है दोस्तों, ये तो आप लोग को एग्जैक्टली पहले ट्राई देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग फ्रंट पे गौर करके देखें तो इस पे दोस्तों अब आप लोग को USD सस्पेंशन दिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग को NS200 वगैरह पे देखने को मिलता है। तो पहला अपडेट तो दोस्तों सस्पेंशन में किया जा रहा है। सेकंड दोस्तों अब आप लोग को इस बाइक पे फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग को NS200 पे जैसा मीटर कंसोल दिया गया है, सेम वैसा ही मीटर कंसोल अब आप लोग को N250 पे भी देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को बहुत से इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को यहाँ पर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे आप लोग को हो सकता है कि नए कलर एंड ग्राफिक्स भी देखने को मिले। तो कुल यहाँ पे दोस्तों कुछ ये सारे अपडेट्स करके जो है N250 को 2024 में लॉन्च किया जाएगा नए अवतार के साथ, जिसपे दोस्तों जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों 5 से 10 हज़ार रुपए पहले के मुकाबले बढ़ सकती है। तो मेनली दोस्तों कुछ ये सारे जो है अपडेट्स होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फीचर्स और इंजन वगैरह है, ये सभी चीजें दोस्तों आप लोग को पहले ट्राई देखने को मिलने वाली है। अब बात कर जाए दोस्तों अगर लॉन्च के बारे में, तो इस बाइक को तो दोस्तों अभी फिलहाल टेस्टिंग के दौरान हमारे इंडियन मार्केट पे देखा गया है, तो इसका मतलब दोस्तों 2024 के मिड तक में या फिर 2024 के एंड तक में जो है बजाज कंपनी इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट पे कंफर्म लॉन्च कर ही देगी। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, और आपके हिसाब से इस बाइक में और क्या कुछ अपडेट होने चाहिए हैं, उसके बारे में नीचे कॉमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।